नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। सो गाइज, TVS ने अपनी मोस्ट अवेटेड बाइक रोनिन लॉन्च कर दी है। तो TVS रोनिन इसका नाम है, और लुक्स या स्टाइल इस बाइक की अगर बात करें तो ये कैफे रेसर टाइप या स्क्रैम्बलर आप इसको बोल सकते हो। काफ़ी अच्छी बाइक दिख रही है और लुक्स में जो है काफ़ी मस्कुलर दिख रही है। बात करेंगे आज इसी बाइक के फीचर्स और डिटेल्स के बारे में, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करके जाना। सो गाइस चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और एक एक डिटेल से इस बाइक के बारे में बात करते हैं। सो गाइस स्टार्ट करते हैं बाइक के इंजन से। तो इस बाइक में आपको 225.9 सीसी का ऑयल कूल्ड सिंगल सिलेंडर इंजन मिलता है, जो कि 5 स्पीड गियरबॉक्स के साथ में आता है। बात करें इस बाइक के पावर की, तो इसमें 20 PS की पावर मिलती है, साथ ही 20 Nm ऑफ टॉर्क इसमें जो है मिलता है। अब बात करते हैं इस बाइक के फ्रंट साइड की। तो फ्रंट में आपको जो है एक यूनिक हेडलाइट मिलती है, जो कि फुल्ली LED हेडलाइट है। इसमें आपको T लोगो मिलेगा, जो कि है T4 TVS। सामने की साइड में आपको USD फोक्स मिलते हैं 41 mm के, जो कि काफ़ी मस्कुलर लुक देते हैं बाइक को। इस बाइक में जो है TVS दे रहा है ऑफ रोडिंग टायर्स, क्योंकि सिटी राइड्स के साथ साथ आप इस बाइक से जो है ऑफ रोडिंग भी कर सकते हैं। तो इस बाइक के टायर साइज़ की बात करें तो फ्रंट टायर साइज़ जो है 110x70 सेक्शन का 17 इंच 9 स्पोक एलॉय व्हील मिलता है, जो कि दिखने में काफ़ी अच्छा है। अब बात करें इसके मीटर कंट्रोल की, तो जो मीटर कंट्रोल है इसका बिल्कुल छोटा सा है और यूनिक सा है, लेकिन इसमें काफ़ी सारे फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे। बात करें इस बाइक की सीट के बारे में, तो इसमें आपको मिलती है लंबी चौड़ी सीट, जो कि काफ़ी कंफर्टेबल होने वाली है। स्क्रैम्बलर और कैफे रेसर टाइप बाइक्स में ही ऐसी सीट मिलती है, जो कि काफ़ी कंफर्टेबल होती है। बात करें इस बाइक के सीटिंग पोजीशन में, तो इसकी जो है सीटिंग पोजीशन अपर साइड है, यानी आप सीधे इसमें बैठेंगे, ना कि आगे झुक के, क्योंकि इसका जो हैंडल बार है काफ़ी ऊपर दिया हुआ है, ताकि राइडिंग कम्फर्ट आपको मिल सके। बात करें इस बाइक के टेल लाइट की, तो टेल लाइट जो है काफ़ी यूनिक है और इस बाइक के जो लुक्स हैं उनको काफ़ी इन्हेंस कर रही है, बढ़ा रही है। दिखने में जो है ये सिंगल स्ट्रिप दिखती है और काफ़ी अच्छी, काफ़ी ब्राइटनेस अच्छी है। LED स्ट्रिप इसमें मिलती है। बात करें इसके पीछे के टायर की, तो इसमें मिलता है 130x70 सेक्शन का टायर, जो कि 17 इंच एलॉय के साथ में आता है। 9 स्पोक एलॉय इसमें मिलता है डायमंड कट के साथ में। तो यार बात करूँ इस बाइक के ब्रेकिंग के बारे में, तो इसकी ब्रेकिंग काफ़ी अच्छी होने वाली है, क्योंकि इसके जो टॉप मॉडल है उसमें मिलता है ड्यूअल चैनल ABS। इसका जो फ्रंट डिस्क साइज है वो है 300 mm और पीछे का डिस्क साइज है 230 mm। तो ब्रेकिंग काफ़ी अच्छी होने वाली है, और साथ ही इसमें जो है आपको ABS का स्विचेबल मोड दिया हुआ है, यानी आप ABS को भी अलग अलग मोड्स में यूज़ कर सकते हो, जिसमें एक अर्बन मोड है, एक रेन मोड है। अर्बन मोड में आपका रेगुलरली जैसा ABS काम करता है वैसे करेगा, और रेन मोड में काफ़ी सेंसिटिव ये काम करने वाला है। बात करें इस बाइक के फ्यूल टैंक के बारे में, तो इसमें मिलेगा आपको 14 लीटर का फ्यूल टैंक, जो कि आपको लंबी रेंज प्रोवाइड करवाएगा। साथ ही बात करें इसके माइलेज की, तो इसका जो माइलेज होने वाला है 35 to 42 तक जो है इसका माइलेज होने वाला है पर लीटर, जो कि काफ़ी अच्छा है। बाइक जो है अलग अलग कलर ऑप्शंस में अवेलेबल है। बाइक के मेनली 3 कलर ऑप्शंस हैं, जिसमें सिंगल टोन, ड्यूअल टोन और 3 टोन कलर्स हैं, जिसमें आपको ABS भी अलग अलग मिलेगा। सो इन बाइक्स का जो प्राइस है वो वेरी करेगा इनके कलर्स वेरिएंट और ब्रेकिंग वेरिएंट्स के हिसाब से। तो इनकी जो प्राइस स्टार्ट है 1.49 लाख से स्टार्ट है, और 1.70 लाख तक इनकी जो है प्राइस जाती है। सो गाइस बात करें बाइक के ओवरऑल लुक्स और फीचर्स के बारे में, तो बाइक जो है काफ़ी अच्छी लगी मुझे पर्सनली। लुक्स अगर आप देखें तो काफ़ी मस्कुलर लुक इस बाइक से आपको मिलते हैं। रोड प्रेजेंस में भी काफ़ी अच्छी ये बाइक होने वाली है। फीचर्स वगैरह काफ़ी अच्छे हैं। एक जो चीज़ मुझे थोड़ी सी डाउन साइड लगी वो इसका प्राइजिंग है। हालांकि फीचर्स और स्टाइल को देखते हुए ये भी ज़्यादा नहीं है, बाकी आपके ओपिनियन आप रख सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हैं आपको बाइक कैसी लगी, प्राइजिंग कैसी लगी, और क्या आप परचेज़ करना चाहेंगे। तो वेट करिए, और जैसे ही शोरूम्स में आती है इसका एक रिव्यू भी अपन करने वाले हैं। सो आई होप वीडियो आप सब लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करके जाना, नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।